नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चाल मोगरा नामक होम्योपैथिक औषधि के इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों यूज के बारे में बात करेंगे। दोस्तों चाल मोगरा एक ऐसी औषधि है जिसका आयुर्वेदिक में और होम्योपैथिक में दोनों ही जगह यूज किया जाता है। हालांकि हमारी मटेरिया मेडिका में चाल मोगरा के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, किंतु यदि आप एक्टिव रहते हैं, आप नई नई मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, नई नई मेडिसिन को जानने की कोशिश करते रहते हैं, तो दोस्तों चाल मोगरा एक ऐसी औषधि है जो आपको स्किन डिजीज में बहुत ही बेहतर रिजल्ट दिला सकती है। दोस्तों यहां पर जो आप फोटो देख रहे हैं ये है डाबर के तुबरक आयल की, तुबरक नामक तेल की। दोस्तों ये जो तेल होता है तुबरक तेल, ये चाल मोगरा से बनता है। इसके जो आप नीचे देखेंगे तो चाल मोगरा का तेल इस तरह भी लिखा आता है, और इस तेल का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है दोस्तों स्किन संबंधी दिक्कतों को ठीक करने के लिए, चाहे वो सोराइसिस हो, डर्मेटाइटिस हो, इग्जिमा हो, दांत खाज खुजली, कुछ भी हो, सभी प्रकार की स्किन कंप्लेंट को दूर करने के लिए इस चाल मोगरा तेल का आयुर्वेद में यूज किया जाता है। दोस्तों इसी प्रकार से होम्योपैथी में भी चाल मोगरा का मदर टिंचर भी आता है, और चाल मोगरा डाइल्यूशन फॉर्म में भी आती है। जनरली चाल मोगरा 6 और 30 पोटेंसी में चलती है। मैं जनरली चाल मोगरा को 6 पोटेंसी में यूज करता हूं और चाल मोगरा का मदर टिंचर यूज करता हूं। किंतु दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए कि कहां पर आपको इसके मदर टिंचर का यूज करना है और कहां पर आपको इसके डाइल्यूशन का यूज करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि चाल मोगरा का यूज कहां कहां किया जाता है। दोस्तों चाल मोगरा को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है स्किन संबंधी दिक्कतों में, जहां पर ईचिंग यानी कि खुजली बहुत ही ज्यादा चल रही हो, और जहां पर स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो, बहुत ज्यादा सूखी हो। स्किन जितनी ज्यादा सूखती है उतनी ज्यादा खुजली चलती है। तो जनरली आप देखेंगे तो सोराइसिस का केस हो, या ड्राई एक्जिमा का केस हो, डर्मेटाइटिस हो, या दांत खाज खुजली हो, इन सभी केसेस में जो लीजन्स होते हैं, जहां पर घाव होता है, जहां पर एक्जिमा होता है, जहां पर दाद होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है, टीनिया का निशान होता है, वहां पर बहुत ज्यादा ड्राइनेस आ जाती है, बहुत ज्यादा ईचिंग होती है। तो ये सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है चाल मोगरा नामक औषधि को देने के लिए। चाल मोगरा का दोस्तों अगला औषधि गुण ये होता है कि ये एंटी इंफ्लामेटरी की तरह कार्य करती है। तो यदि किसी को किसी इंजुरी के बाद कहीं पर जो है घाव बन गए हो, जो ठीक नहीं हो रहे, तो चाल मोगरा को यदि हम डायल्यूशन फॉर्म में देते हैं तो ये घाव भी बहुत जल्दी ठीक होते हैं। इसी प्रकार से चाल मोगरा डायल्यूशन फॉर्म में स्किन की कंप्लेंट जो होती है, जैसे मैंने आपको बताया दांत खाज खुजली, सोराइसिस, एक्जिमा, डर्मेटाइटिस, फंगल इन्फेक्शन, सभी में बहुत ही जल्दी आराम पहुंचाती है। दोस्तों चाल मोगरा नर्व की वीकनेस के लिए, नर्व की कमजोरी के लिए भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। नर्व की कमजोरी में भी इसे यूज किया जाता है। चाल मोगरा को मसल्स के स्पाज्म के लिए, मसल्स की ट्विचिंग के लिए, या इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ मसल्स जो होता है दोस्तों, इसके लिए भी यूज किया जाता है। कई लोगों को दोस्तों नीचे पिंडली की वहां पर मसल्स में क्रैम्प होने लगते हैं, रात में सोते हैं तो दर्द होता है, वहां पर आप चाल मोगरा का यूज कर सकते हैं। कई लोगों को रात में पांव हिलाने की आदत रहती है, बैठे बैठे पांव हिलाते रहते हैं, तो इस प्रकार के जो इनवॉलंटरी मूवमेंट होता रहता है मसल्स का, इसके लिए भी दोस्तों चाल मोगरा का यूज किया जा सकता है। दोस्तों बात करते हैं चाल मोगरा को कहां पर इंटरनल और कहां पर एक्सटर्नली यूज किया करना है। इसके पहले आपको बता दूं कि चाल मोगरा को लेप्रोसी नामक रोग में, कुष्ठ रोग में, या सफेद दाग को दूर करने के लिए भी चाल मोगरा का यूज किया जाता है। दोस्तों चाल मोगरा को हम डाइल्यूशन फॉर्म में देते हैं, जनरली 6 पोटेंसी में, और 4 बूंद सुबह, दोपहर, रात, दिन में 3 बार लगातार देने की सलाह जो है हमारे द्वारा दी जाती है। किंतु इसी के साथ जो भी व्यक्ति स्किन की कंप्लेंट को लेकर के आता है, हम उसे एक्सटर्नली चाल मोगरा का मदर टिंचर भी लेने की सलाह देते हैं। इसको देने का एक तरीका होता है। चाल मोगरा का जो मदर टिंचर होता है दोस्तों, उसको 1:10 के अनुपात में किसी भी तेल में, जहां पर हम प्रीफर करते हैं खोपरे का तेल या वेसलिन के साथ दोस्तों मिलाया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि आपने 100 ml खोपरे का तेल लिया है तो उसमें आपको 10 ml चाल मोगरा का मदर टिंचर मिलाना है। यदि आपने 100 ग्राम वेसलिन लिया है तो उसमें आपको 10 ml जो है चाल मोगरा का मदर टिंचर मिलाना है। तो इस प्रकार से 1:10 1:10 के अनुपात में आपको जो है चाल मोगरा का मदर टिंचर मिलाना है किसी भी प्रकार के तेल, जनरली खोपरा तेल में या वेसलिन में। और इसके बाद ये जो मिक्सचर बनता है इसको अप्लाई करने का कहना है मरीज को, उसके सोराइसिस के निशानों पर, उसके स्किन के कंप्लेंट पर, जहां पर दाद है, जहां पर खाज है, खुजली है, कुष्ठ रोग के निशान है, उन सभी पर आपको अप्लाई करने का कहना है सुबह नहाने के बाद और रात में सोते समय। तो इस प्रकार से जब आप एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए चाल मोगरा का मदर टिंचर जो है उसे किसी तेल में या वेसलिन में मिला करके देते हैं, साथ में इंटरनली चाल मोगरा चलाते हैं दोस्तों, तो यदि आपकी वेल सेलेक्टेड मेडिसिन भी वर्क नहीं करती है और बहुत ज्यादा ईचिंग चल रही है, इन्फ्लामेशन है, तो इन सभी केसेस में रेडनेस को कम करने के लिए, ईचिंग को कम करने के लिए, और जो स्किन है वहां पर हाइड्रेशन के लिए, ये दोनों जो है मदर टिंचर्स और
डाइल्यूशन एक साथ काम करते हैं, तो स्किन की कंप्लेंट में बहुत ही तेजी से दोस्तों फायदा देखने को मिलता है। कई सारे होम्योपैथिक डॉक्टर जो बहुत ज्यादा अनुभवी है वो चाल मोगरा के मदर टिंचर को इंटरनली यानी अंदर से लेने की सलाह भी देते हैं, किंतु हम अपने किसी पेशेंट को चाल मोगरा का मदर टिंचर प्रिस्क्राइब नहीं करते इंटरनली लेने के लिए। हालांकि दोस्तों यदि लो डोज में लिया जाए तो ये सेफ है, किंतु कई बार ऐसा देखा गया है कि चाल मोगरा का मदर टिंचर इंटरनली लेने पर दोस्तों पेट के अंदर जाकर अल्सर्स पैदा कर देता है, इतना ज्यादा इरिटेटिव होता है चाल मोगरा का मदर टिंचर। इसलिए हम इसे कभी भी इंटरनली लेने की सलाह नहीं देते। यदि आप इंटरनली लेना भी चाहते हैं तो बहुत अनुभवी होम्योपैथिक डॉक्टर की देखरेख में बहुत लो डोज बहुत कम डोज में ही इसका यूज करें, वरना इसका यूज ना करें। केवल मदर टिंचर को आप एक्सटर्नली अप्लाई करें, साथ में इंटरनली लेने के लिए आप डाइल्यूशन का यूज कर सकते हैं। हम लो पोटेंसी प्रिफर करते हैं 6 CH, आप 30 CH 200 CH तक भी जा सकते हैं। तो यदि आपको सोराइसिस, एक्जिमा, डर्मेटाइटिस, स्किन कंप्लेंट, दांत, खाज खुजली या ईचिंग पूरी बॉडी में हो रही हो, इनमें किसी भी मेडिसिन से रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो आप चाल मोगरा को मदर टिंचर में लोकल एप्लीकेशन के लिए और इंटरनली 6 CH डाइल्यूशन में यूज करके देख सकते हैं। आपको इसके बहुत ही बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। दोस्तों एक सफल होम्योपैथिक प्रैक्टिस के लिए जरूरी है कि हम अपना दिमाग खुला रखें, अपने विचार खुला रखें और चारों तरफ से ज्ञान को एकत्रित करें। तो कई चीजें जो हमें आयुर्वेदिक में बहुत अच्छे रिजल्ट दे रही है, हमें ये सर्च करना चाहिए कि इसमें होम्योपैथी में किस प्रकार की मेडिसिन बनती है और इसे किस प्रकार से दिया जा सकता है। तो इसी प्रकार से जो तुबरक का ऑयल है या चाल मोगरा का ऑयल है, ये स्किन कंप्लेंट में बहुत ज्यादा यूज होने वाला तेल है। बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर इसका यूज करते हैं, बहुत सारे पुराने वैद्य, बहुत सारे जो बुजुर्ग रहते हैं जिनका अनुभव हो गया बहुत ज्यादा, वो इसका यूज करते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसी की देखा देखी हमने चाल मोगरा पर रिसर्च की, उसको पढ़ा, उसकी पढ़ाई करके और जो है इसके मदर टिंचर को एक्सटर्नली और इंटरनली डायल्यूशन को यूज करके देखा, तो इन सभी केसेस में बहुत अच्छे परिणाम मिले। दोस्तों चाल मोगरा का जो 6 CH डायल्यूशन है वो पेट के कीड़ों को मारने के लिए भी यूज किया जाता है। तो ये है दोस्तों चाल मोगरा के बारे में, चाल मोगरा मदर टिंचर में। आप ध्यान रखें ये अंदर जाकर अल्सर्स पैदा कर सकता है, इसलिए इसे इंटरनली ना दे, या यदि आप लेना चाहें तो बहुत अनुभवी होम्योपैथिक डॉक्टर की देखरेख में ही ले। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।